भाई पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एंड्रयू एडम को बताता है कि ओरियन लौट आया है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट हिप्पू और क्रिमिनल को किडनैप कर लेता है और फिर उन दोनों की बहस हो जाती है और हिप्पू के अंदर का शैतान जाग जाता है और साइंटिस्ट के सारे आदमियों को मार देता है और क्रिमिनल हिप्पू भाग जाते हैं वहां से। आखिर में ओरियन एंड्रयू के एक पार्टनर जोकर को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है। अब आगे ओए गाइस, फिर आप भूल जाते हो तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। ए बॉस क्या हो गया, आप टेंशन में लग रहे हैं? रे भाई अभी कुछ हुआ ना से, पर मारा जी घबरा रिया से, ऐसा लगता से कि कुछ गलत होने वाला से। बॉस चिंता मत कीजिए, हम है ना आपकी सुरक्षा के लिए। हाँ यो बात तो सही कही तुमने। अरे मेरे को जल्दी से ये बात बॉस को बतानी पड़ेगी। रे भाई के हो गया, क्यों दौड़ा दौड़ा आ रिया से? अरे बॉस समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताऊँ आपको? जो भी से साफ साफ बता दे। आपके पार्टनर जोकर को ओरियन ने मार दिया। के बात कर रिया से, यो कैसे हो गया? उसके पास तो बहुत बड़ी फौज थी। हाँ बॉस, पर ओरियन ने सबको मार डाला और जोकर को तो बहुत गंदी तरीके से मारा है, उसकी बॉडी टुकड़ों में मिली। पक्का? तब तो यो ओरियन ही से, वही ऐसा काम कर सकता से। हाँ बॉस, तब तो हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं और आदमी बुला रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिए। मुझे यो बात अपने सारे पुराने पार्टनर्स को बतानी पड़ेगी, पर पहले एडम को बताता सू, उस पे ज्यादा खतरा से। साला मैं तो कल से यही सोच रहा हूँ कि ये ओरियन वापस कैसे आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, एंड्रयू का कॉल। हाँ एंड्रयू बताओ। रे एडम, तन्ने कोई खबर मिली के? नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। चोकर को ओरियन ने मार दिया से भाई, हमारी गैंग से बदला लेना शुरू कर दिया उसने। क्या चोकर से तो मैं कल ही मिलकर आया। हाँ भाई, अब बता ना सकते अगला नंबर किसका से, तो तू चौकन्ने रहना। ठीक है एंड्रयू, तुम भी अपना ध्यान रखना। एक सेकंड मैंने ध्यान नहीं दिया, पर ये कार 10 मिनट से मेरे पीछे ही आ रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऊपर से शीशे भी काले हैं और नंबर प्लेट भी नहीं है, और ये साफ सफाई करने वाला यहाँ पर क्यों खड़ा है? आसपास कोई कचरे की गाड़ी भी नहीं है, दाल में कुछ तो काला है। चल रे अब तेरी बारी है। मुझे लगा ही था ये ओरियन के आदमी है, और मैं साथ में गन भी नहीं लाया। ये तो साले हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए, इनसे पीछा छुड़वाना पड़ेगा। यही सही मौका है, भाग जाता हूँ। टारगेट मुझे देख चुका है, वो मेरे निशाने पे ही है, उड़ा दू। अरे ये सामने कौन लोग है? बॉस निकलो यहाँ से जल्दी। रे भाई दुश्मन आ चुके से, अब यो जगह हमारे लिए सेफ ना से। चलो चलो बाकी के लोग दुश्मनों को मारो, मैं और बॉस निकलते हैं यहाँ से। हाँ भाई सही कहा, एक को भी जिंदा ना छोड़ना, ओरियन को भी पता चले साड़ा किससे पंगा ले रिया से। बॉस वैसे हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बोलते अपने जंगल वाले अड्डे पर चले जाए क्या? रे नहीं, ओरियन को हमारे सारे अड्डे का पता होगा, उसके सारे आदमी हमारे अड्डे पे मौजूद होंगे। एक चीज कर सकते से, हमें उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ ओरियन ने सोचा ना होगा। ऐसी तो कौन सी जगह है बॉस? चोकर का अड्डा, अब वहाँ उसके आदमी ना होंगे और वो सोचेगा भी नहीं कि हम उधर जाएंगे। बस क्या सोचा आपने, अब आगे का प्लान क्या है? वही सोच रहा हूँ उसे पकड़े कैसे, बहुत मुश्किल है, कितना ताकतवर है वो। वही ना बॉस, जैसे तैसे अगर उसको पकड़ भी लेंगे तो भाग जाएगा। आपने देखा ना उसने पिछली बार क्या किया। हाँ वही समझ में नहीं आ रहा, पहले तो वो कुछ नहीं कर रहा था और अचानक से सबको मार दिया। 2 बारी में हमारे कितने सारे आदमी मार चुका है वो। हाँ बॉस वही ना, पता नहीं पहले तो शांत था, गुस्से में आके अचानक सबको मार दिया। गुस्से में आके आओ समझ गया।
क्या, उससे गुस्सा ताकत देता है। मतलब बॉस कहना क्या चाहते हो? ओए मतलब वो पहले कमजोर था, फिर उसे गुस्सा आया और वो शैतान बन गया अपने वंशजों की तरह। ओए हाँ ये बात तो है बॉस, पर उसे पकड़े कैसे? हाँ ओए अगर पकड़ने गए और गुस्सा आ गया तो वहाँ सबको मार देगा, और पकड़ भी लिया तो यहाँ सब बर्बाद कर देगा। हमें कुछ सोचना पड़ेगा बॉस। एक काम हो सकता है, अगर उसे बेहोश करके यहाँ ले आए तो? हाँ ओए हम यही करेंगे, उसे बेहोश करके ले आएंगे और यहाँ का मैं संभाल लूँगा। ठीक है बॉस, तो मैं चला उसे फिर से किडनैप करने। बाल बाल बचा, आज तो बहुत मुश्किल से पीछा छुड़वाया। ये मुझे पकड़ने के लिए क्रिमिनल और हिप्पू को भी मोहरा बना सकता है। मुझे क्रिमिनल को कॉल लगा के बताना पड़ेगा। हाँ सासा बताइए क्या हो गया? क्रिमिनल अभी तू कहाँ है? अभी तो शहर में हूँ, घर की ओर जा रहा हूँ गाड़ी लेके। बताइए। देख तो कोई गाड़ी तेरा पीछा तो नहीं कर रही ना? नहीं कोई पीछा नहीं कर रहा सासा, क्यों क्या हो गया? वो घर पहुंच के बताता हूँ, अभी ध्यान रखना। हाँ सासा, बस लगता है ये कार बिगड़ गई है, आवाजें आ रही है बीप बीप। क्या इसका मतलब कार में बम है? क्रिमिनल जल्दी कार से कूद जा। अबे यार बाल बाल बचा, सासा ने टाइम पे कॉल करके बचा लिया। क्रिमिनल हेलो, क्रिमिनल तू ठीक तो है ना? हाँ बस गया, इस बार बस गया मैं। अब यहाँ से मुझे पिक कर लो सासा। ठीक है चल, तू वहीं पे रह, मैं आ रहा हूँ। बाबू मोसा जरा सी नींद क्या ले ली, मुझे तो चाचा और क्रिमिनल छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ गए है। अब मैं घर पे अकेला बैठ के करूँ भी क्या? एक काम करता हूँ, पीसी में गेम खेलता हूँ, टाइम पास हो जाएगा। घर में और कोई नहीं दिख रहा, लगता है वो अकेला है दूसरे माले पे। पर फिर भी एक बंदा कंफर्म कर लो कि वो अकेला है या नहीं। और यार ये क्या बाबू मोसा, क्रिमिनल ने तो सारी गेम्स पे पासवर्ड रख दिया है, अब मैं कैसे खेलूं? क्या हुआ है कोई घर पे या नहीं? बॉस मैं बाहर खड़ा हूँ, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो नूबड़े जाना, अभी तक वहाँ क्यों खड़ा है साले? ठीक है बॉस मैं अंदर जा रहा हूँ, लगता तो नहीं घर पे कोई है। बॉस कंफर्म है, सच में घर में कोई नहीं है, आ जाइए। ठीक है, उसको पता ना लगने पाए मैं आता हूँ। बाबू मोसा ये पीसी मेरे कोई काम का नहीं, क्रिमिनल ने हर एक चीज पे पासवर्ड डाल दिया है। अबे पीछे देख कौन आया है। अबे तू, तू फिर से आ गया, इस बार तू घर वापस नहीं आने वाला। और ये क्या है? आदम सासा आपको मुझे सब बताना पड़ेगा, ये सब क्या चल रहा है? मैं तुझे सब बताऊंगा क्रिमिनल, पर अभी सही समय नहीं है। अरे यार हम पे हमले पे हमला हो जा रहा है, ये उस साइंटिस्ट का काम है पक्का। नहीं क्रिमिनल ये उसका काम नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो हिप्पू केड़िया कुछ भी कर सकता है सासा, आपको क्या पता? एक मिनट, हिप्पू कहाँ है? उसे तो घर पे ही होना चाहिए। हिप्पू? अबे हिप्पू कहाँ है तू, नीचे आ। वो घर पे नहीं है, इसका मतलब पक्का कुछ गड़बड़ है। अबे यार मैं कहाँ हूँ और यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ क्यों है? कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ अंदर क्यों रखा है? तुम्हें सब पता चल जाएगा, थोड़ी देर रुक जाओ। ये तो वही है और हम जाते हैं तू। ओए क्या बात है पॉप, तुझे होश आ गया साले? तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है, तुझे चाहिए क्या? ओए मुझे तेरा डीएनए चाहिए समझा, और तुझे मेरा डीएनए क्यों चाहिए? ओए तू अल्टीमेट हिपहॉप का वंशज है इसीलिए। हाँ ऐसा तो मेरे दादा भी कहते थे कि हम उनके वंशज है। ओए इसीलिए तो मुझे तेरा डीएनए चाहिए, उसकी मदद से मैं न्यूक्लियर वेपन से भी ताकतवर हथियार बनाऊंगा और फिर मैं सरकार को अपने घुटनों पे ला दूंगा। पर मेरे पास कोई ताकत नहीं है साइंटिस्ट, मैं बस गोला छोड़ सकता हूँ, मेरा डीएनए बेकार है। हाँ वो तू जानता नहीं है वो गोला कितना बड़ा विस्फोट कर सकता है, गुस्सा आने पे तू सब कुछ तबाह कर देता है। इसीलिए ये मशीन रखी है जिसमें निकलने वाले गैस से तू शांत रहेगा। देख साइंटिस्ट तू अच्छा नहीं कर रहा, ये सब छोड़ दे, तू पूरी दुनिया तबाह कर देगा। लड़कियों अब समय आ चुका है, अब हम इसका डीएनए निकालेंगे, तैयार हो जाओ। ओए साइंटिस्ट ये तुझे भारी पड़ेगा। क्या हुआ, मेहमान की अच्छे से खातिरदारी की ना? अरे तुम क्या चाहते हो जी, मेरे सारे आदमियों को भी मार दिया। हमें बदला चाहिए।
अरे ये क्या, तू तो ओरियन है ना जी। हाँ सही कहा, मैं वही हूँ। सालों बाद भी तुम लोग मुझे भूले नहीं हो। तो मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है जी? मेरे सामने मेरी पूरी फैमिली मार दी तुम्हारे आदमी लोगों ने। हाँ मालूम है तुझे इन लोगों ने जिंदा क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं तुझे अपने हाथों से मारना चाहता था। क्या 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 करने वाला है तू? पर पहले तुम्हारे दोस्त को फोन लगाता हूँ। अबे यार रिपू कहीं नहीं मिल रहा है, एक सेकंड, किसी का कॉल है। हेलो, पहचाना मुझे आदम? तुझे कैसे भूल सकता हूँ ओरियन। अच्छी बात है, मैं तुझे भूलने भी नहीं दूंगा। वैसे ये देख, तुम्हारा एक पार्टनर मेरे साथ है। अरे आदम मैं बर्बाद हो गया, इसने सबको मार दिया और मुझे किडनैप कर लिया। अरे कैप्टन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ओरियन क्या चाहता है तू, इन्हें छोड़ दे। छोड़ दूंगा इसे मेरा बदला लेने के बाद। अबे 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 यह क्या कर रहा है तू? चल कैप्टन, तेरी मौत तुझे बुला रही है। नहीं नहीं कैप्टन। हाँ तो आदम अब बात करते हैं। साले तूने मेरे दोस्त हिपॉप को भी उठाया है ना, ये सब खेल खेलना बंद कर दे। नहीं मैंने तेरे दोस्त हिपॉप को नहीं उठाया, मैं आया था पर वो घर पे नहीं था। झूठ मत बोल, ये तू नहीं किया है। अगर उठाया होता तो अब तक तुझे उसकी लाश मिल जाती। ये सब रोक दे ओरियन, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। हाँ रोक दूंगा मेरा बदला लेने के बाद। काट दिया साले ने। सासा अगर इसने इप्पू को किडनैप नहीं किया तो पक्का साइंटिस्ट नहीं किया है। अरे क्रिमिनल कौन है ये साइंटिस्ट? पता नहीं सासा, मुझे तो गुंडा लगता है। उसके पास भी बहुत सारे आदमी है और पता नहीं इप्पू के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। मतलब वहाँ बहुत सारे आदमी होंगे, हम दोनों ये काम नहीं कर सकते। सही कहा सासा, आदमी तो बहुत सारे हैं उसके पास, हम दोनों इप्पू को नहीं छुड़वा सकते। अगर मेरी गैंग होती तो आज मैं इप्पू को बचा सकता था, पर अब मेरी गैंग नहीं रही। अरे सासा कोई तो होगा, किसी से मदद ले लो। हाँ एंड्रयू से मदद लेनी पड़ेगी।